चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे फुल टाइम हो, फर्स्ट राउंड में एप्टीट्यूड का टेस्ट आता है और अच्छे लेवल के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। तुम जब इंटरव्यू में जाओगे तो रिज्यूमे दिखाओगे, वो उसी पे बात करेगा शुरू में, राइट? तो अपने आप को बेचना है रिज्यूमे पे, तो वो चीज अगर तुम अच्छे से कर पाओगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। तो दे हैव अ हायरिंग प्रोसेस कि यार इंटर्नशिप में जनरली वो ऑन कैंपस ज्यादा उठा लेते हैं और जनरली प्लेसमेंट के टाइम वो ऑफ कैंपस ज्यादा उठा रहे होते हैं। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग नहीं आने वाली है, राइट? टॉपिक्स वही डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के स्टैंडर्ड रहेंगे बट हार्ड क्वेश्चन आएंगे। हाय, मायसेल्फ आरेख हियर। सर, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं अ कंप्लीट गाइड टू क्रैक अ कंपनी लाइक डीशो। तो डीशो एक अमेजिंग कंपनी है टू वर्क फॉर, जो बहुत सही तरीके से ग्रो कर रही है, बहुत ही अमेजिंग वर्क कल्चर है एज पर द फीडबैक, और बहुत सही पैसे भी देती है टू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई थिंक उसका जो CTC है वो 34-36 लाख के बीच होता है, जिसमें बेस 18 LPA है, बाकी 2-3 लाख परफॉर्मेंस बोनस है, 2 लाख ज्वाइनिंग बोनस है, 10 लाख के स्टॉक्स हैं, तो बहुत सही पैसा है, सारे पैसे तुम्हारे हैं। आई थिंक अमेजिंग कंपनी है, पैसा भी अच्छा है और काम भी अच्छा है, तो दैट्स अ ग्रेट कंपनी टू वर्क फॉर। तो यार मैं उसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ कि अगर हमें क्रैक करना है उस कंपनी को, ऑफ कैंपस हो गया, ऑन कैंपस हो गया, इंटर्नशिप हो गया, फुल टाइम हो गया, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, हमें रिज्यूमे में क्या ध्यान रखना है, हमें अप्लाई कैसे करना है, और हमारे इंटरव्यू राउंड्स क्या होंगे, फर्स्ट राउंड में क्या आता है, सेकंड राउंड में क्या आता है, थर्ड राउंड में क्या आता है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी आइडिया हो जाएगा। सब्सक्राइब करो चैनल को, मैंने और ऐसी वीडियोस बना रखी हैं फॉर अ कंपनी लाइक Amazon, Microsoft, Google, Goldman Sachs, तो उसको भी चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद, आई थिंक दोज विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और कैसी लग रही है ओवरऑल वीडियो मुझे कमेंट्स वगैरह में बता दिया करो, इट वुड बी अ ग्रेट फीडबैक फॉर मी। सो स्टार्ट करते हैं डीशो के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स के बारे में, और यार ये जो मैं टिप्स वगैरह बताता हूँ, रिज्यूमे टिप्स वगैरह बताता हूँ, ये मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख के बताता हूँ, जिनके लिंक्स मैं तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां जाके तुम चेकआउट कर सकते हो, अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी मैं ओवरऑल समरी निकाल के 4 चीजों के बारे में, प्रिपरेशन टिप्स, रिज्यूमे टिप्स, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है, और इंटरव्यू राउंड्स में क्या हुआ, वो इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। देखो यार, प्रिपरेशन में सबने बोला कि यार हमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के हार्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट राउंड में आए क्वेश्चंस, जो लास्ट राउंड में आए, वो टफ क्वेश्चंस आए थे, मैंने भी देखे तो हार्ड क्वेश्चंस आए हुए, इतना आसान नहीं है। तो बेसिकली हमें अच्छा बनना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर्स में, तभी हमारे वो इंटर्नशिप के इंटरव्यूज हो या फुल टाइम के इंटरव्यूज हो, तभी निकलेंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स में मीडियम लेवल क्वेश्चन से भी नहीं होगा, हार्ड क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। दूसरी बात, एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, राइट, जिसको हम अच्छे से बता सके। एक प्रोजेक्ट गुड इनफ है, बट थोड़ा डिटेल्ड होना चाहिए जिसके बारे में हम अच्छे से बात कर सके। तीसरी बात, एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे फुल टाइम हो, फर्स्ट राउंड में एप्टीट्यूड का टेस्ट आता है और अच्छे लेवल के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है? OSDBMS, SQL क्वेरीज वगैरह हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट, वो उस पर फोकस करते हैं, चाहे वो इंटरव्यूज हो चाहे फर्स्ट राउंड में शुरू में टेक्निकल सेक्शन हो रहा हो, वहां पर आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो अपने को ये वाली सारी चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। ऊप्स कॉन्सेप्ट्स अच्छे से होने चाहिए, राइट, प्रोग्रामिंग अच्छे से होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स अच्छे से होने चाहिए, ये हमें अपनी तैयारी में सब कुछ अच्छे से करना पड़ेगा, तभी हम बेसिकली रेडी हो पाएंगे, नॉट ओनली फॉर डीशो बट आई थिंक फॉर एनी कंपनी वी शुड बी रेडी विद दिस टॉपिक्स। तो प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा एप्टीट्यूड थोड़ा अच्छे से करना है, जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गया, डीशो हो गया, जो फाइनेंस वाली कंपनीज है, ये लोग थोड़ा सा एप्टीट्यूड पे फोकस करते हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। तो ये तो हो गई प्रिपरेशन टिप्स। अब दूसरी बात, रिज्यूमे टिप्स के बारे में बात करें, वो काफी स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल सिमिलर था कि यार प्रोजेक्ट होना चाहिए, रिज्यूमे एक पेज का होना चाहिए, अच्छे से लिखा होना चाहिए, राइट, क्योंकि तुम्हारी जो शॉर्टलिस्टिंग होगी ऑफ कैंपस है वो रिज्यूमे बेसिस पे बहुत ज्यादा हो रही होती है ना। CGPA थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसका रोल प्ले करेगा वो, मैं एप्लीकेशन के टाइम बताता हूँ कितना रोल प्ले करता है। CGPA थोड़ा सा बताओ, और बाकी प्रोजेक्ट्स को अच्छे से डिटेल वे में बताओ कि यार ये टेक स्टैक यूज करा है, इस प्रोजेक्ट का ये आउटपुट रहा है ना, लिंक वगैरह होंगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। ओवरऑल रिज्यूमे टिप्स यही थे, बट वो तुम्हारा प्रेजेंटेशन है कि उसके बेसिस पे तुम शॉर्टलिस्ट होगे। तुम जब इंटरव्यू में जाओगे तो रिज्यूमे दिखाओगे, वो उसी पे बात करेगा शुरू में, राइट, तो अपने आप को बेचना है रिज्यूमे पे, तो वो चीज अगर तुम अच्छे से कर पाओगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। अब बात करते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसेस पे कि यार अप्लाई कैसे करा लोगों ने। देखो यार, एप्लीकेशन प्रोसेस में मैं तुम्हें बताता हूं, डीशो का पर्टिकुलरली
इंटर्नशिप्स ऑन कैंपस ही ज्यादातर लेते हैं, ऑफ कैंपस बहुत रेयर है ना, डिसिप्लिन में तो ना इंटर्नशिप जनरली वो ऑन कैंपस ज्यादा लेते हैं, ऑफ कैंपस कम लेते हैं, फुल टाइम ऑन कैंपस बहुत कम लेते हैं और ऑफ कैंपस बहुत ज्यादा लेते हैं, राइट? तो दे हैव अ हायरिंग प्रोसेस कि यार इंटर्नशिप में जनरली वो ऑन कैंपस ज्यादा उठा लेते हैं और जनरली प्लेसमेंट के टाइम वो ऑफ कैंपस ज्यादा उठा रहे होते हैं। जो मैंने देखा लोगों ने अप्लाई करा हुआ है वो उनके करियर्स पे जाता है डी शॉ का, और जनरली जनवरी फरवरी के टाइम थोड़ा ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनके करियर्स पेज पे अप्लाई करके लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो उनके करियर्स पेज पे थोड़ा एक्टिव रहो। बाकी लिंक्डइन वगैरह प्लेटफॉर्म तो है ही, वहां पर रिक्रूटर्स को ईमेल करो, वहां पर जो काम कर रहे हैं लोग उनको ईमेल करो, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। बट मोस्टली लोग करियर्स पेज पे जाके शॉर्टलिस्ट हुए हैं, सो इस चीज का ध्यान रखो। डी शॉ का जनवरी फरवरी में करियर्स पेज उनका थोड़ा एक्टिव होता है, वहां पर हम अप्लाई जरूर करेंगे। बाकी ऑन कैंपस मैंने तुम्हें बता दिया, इंटर्नशिप्स थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, फुल टाइम बहुत रेयर है, बहुत रेयर कॉलेजेस में जाते हैं, तो ऐसा होता है डी शॉ का एप्लीकेशन प्रोसेस। इन टर्म्स ऑफ CGPA, देखो यार CGPA 7 एंड अबव तो नेसेसरी है ना, मतलब उसमें लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी 7 एंड अबव कर रहे थे वो, तो डी शॉ जैसी कंपनी थोड़ा CGPA पे फोकस करती है। ऑन कैंपस में एक दो जगह सैडली 8.5 CGPA एंड अबव भी बोला था, तो बी रेडी फॉर दैट। हो सकता है CGPA के बेसिस पे थोड़ी शॉर्टलिस्टिंग हो, सो बी रेडी फॉर दैट। जितनी CGPA मेंटेन कर सकते हो कोशिश करो अच्छे से अच्छी हम रख सके, ठीक है? ये हो गया ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस। तो हमने प्रिपरेशन टिप्स डिस्कस कर ली, हमने रिज्यूमे टिप्स डिस्कस कर ली, हमने एप्लीकेशन प्रोसेस डिस्कस कर ली। इंटरेस्टिंग है इंटरव्यू राउंड्स, है ना, इसके बेसिकली जो फर्स्ट राउंड है, सबसे पहले फर्स्ट राउंड का डिस्कशन करते हैं, चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे फुल टाइम हो। पहला राउंड हो रहा है हैकर रैंक पर, एंड उस पे क्या होता है, 14 एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, 14 टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं विच कंप्राइज ऑफ OS, DBMS, आउटपुट के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एक कोडिंग क्वेश्चन आता है, राइट? और थोड़ा सा हार्ड होता है, सो हमें उसकी अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमें कोडिंग क्वेश्चंस और ये टेस्ट वगैरह निकालने पड़ेंगे, तब जाके हमारा फर्स्ट राउंड अच्छे से निकलेगा, ठीक है? वंस दैट फर्स्ट राउंड इज ओवर, अगर उसकी वजह से शॉर्टलिस्टिंग हो गई, जो नेक्स्ट राउंड होते हैं, देखो टॉपिक्स वही है, ट्रीज, लिंक्ड लिस्ट, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, प्रायोरिटी क्यूज, राइट, स्टैक्स, क्यूज, यही सब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं आने वाली है, राइट? टॉपिक्स वही डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के स्टैंडर्ड रहेंगे, बट हार्ड क्वेश्चंस आएंगे। और इंटरेस्टिंग क्या है, इनका ना ये कोड पेयर नाम की चीज यूज करते हैं हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पर। तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है उस टाइम पे सामने एक प्लेटफॉर्म होगा, तुम डिस्कस कर रहे हो सब कुछ, अप्रोचेस एक सामने इंटरव्यू के साथ डिस्कस करोगे, बट तुम्हें कोड उस प्लेटफॉर्म पे करना पड़ेगा और वो सबमिट भी करना पड़ेगा, तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक वहां लगे रहना पड़ेगा। तो इंटरव्यूअर के साथ तुम कोड पेयर करके कोड पेयर पे प्लेटफॉर्म पे कोड करते हो और उसको सबमिट भी करना पड़ता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और दैट इज अ वेरी रेयर थिंग विच हैपन्स इन वेरी रेयर कंपनीज, है ना? बेसिकली सामने इंटरव्यूअर के सामने कोड तो लिखना ही है, साथ में उसके सामने सबमिट भी करके दिखाना है, तो थोड़ा प्रेशर वाला इंटरव्यू होता है, that will be very very important, है ना? So second round हो गया, third round हो गया, सब में ऐसी वो लोग code pair use करते हैं कि code भी करो और submit भी करना पड़ेगा, accept कराना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इसके अलावा जैसे मैंने बोला था वो राउंड में एप्टीट्यूड वगैरह भी फोकस करते हैं, तो पजल्स वगैरह भी पूछी हुई हैं, तो थोड़ी सी अगर पजल्स वगैरह की प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा अपना एप्टीट्यूड अच्छा रखोगे, तो इंटरव्यू राउंड में भी वो चीजें आ सकती हैं, है ना? इंटरव्यू जब स्टार्ट हो रहा है तो प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हो रहा है, तो पजल्स हो गए, OS, DBM, OS एंड DBMS के क्वेश्चंस आए हैं, राइट? वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, DBMS की कुछ कुछ SQL क्वेरीज वगैरह पूछी हुई है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट्स पूछे हुए हैं, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो इनको भी मिस नहीं कर सकते। तो इंटरव्यू राउंड इसी के अराउंड कंप्राइज होता है, जो तुम्हारा लास्ट राउंड होता है वो HR राउंड होता है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल HR राउंड होते हैं बिल्कुल वैसे ही उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट HR राउंड में भी उन्होंने पजल्स वगैरह पूछ रखे हैं, तो थोड़ा सा मैं वही बोल रहा हूँ, एप्टीट्यूड, पजल्स, इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं वो लोग कि बंदा मेंटली कितना तेज है, राइट? कितनी तेज तरीके से सोच पा रहा है, क्या सॉल्यूशंस पे पहुंच पा रहा है, कैसा उसका थॉट प्रोसेस है, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, ठीक है? तो HR राउंड निकालने के लिए भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। ओवरऑल हमें इंटरव्यू राउंड्स में जो मैंने डिस्कस करा, फर्स्ट राउंड में यार एप्टीट्यूड, OS, DBMS, राइट, कोडिंग क्वेश्चन निकालना है, हार्ड क्वेश्चन आएगा, तो हमें अच्छे से DSA करना पड़ेगा और ये वाली चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, OS, DBMS वगैरह की। दूसरी चीज जो मैंने बोली, इंटरव्यू राउंड्स में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, मोस्टली DSA एंड ELCO के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट बीच में पजल्स पूछ ली, बीच में OS, DBMS पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? तो प्रैक्टिस करनी है अगर तुम्हें, तो हमारा प्लेटफॉर्म कोड स्टूडियो
एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें इस टाइप की चीजें सारी कवर्ड है। ओएस का गाइड पाता है, डीबीएमएस का गाइड पाता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस है, जो भी ऑलमोस्ट नॉट ओनली फॉर डी शो बट किसी भी कंपनी के लिए तुम्हें तैयारी करनी है तो परफेक्ट प्लेटफॉर्म है टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज। एक्सप्लोर करना, जहां पर तुम्हारे ये इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है उसी प्लेटफॉर्म पर गाइडेड पाथ नाम की चीज होगी, वहां पर जाके तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो इन सब टॉपिक्स पे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। ओवरऑल यही था, मैंने बता दिया कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है, कैसे हमें रिज्यूमे प्रिपेयर करना है, कैसे हमें अप्लाई करना है और कैसे हमें इंटरव्यू राउंड्स में फोड़ना है, क्या क्या होता है इंटरव्यू, वो मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके अलावा नॉट ओनली फॉर दीज कंपनी, जैसे मैंने पहले भी बताया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन का अगर तुम्हें देखना है उनका भी लिंक होगा, वहां पर जाके चेकआउट करो, उन कंपनीज के बारे में पढ़ लो, आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल। डी शॉप के करियर पेज पे थोड़ा एक्टिव रहो, ऑफ कैंपस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और तुम्हारा कोई सजेशन हो, कोई और कंपनी के लिए तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो, ये मैंने तुम्हारे सजेशंस के बेसिस पे पूछा था, काफी लोगों ने डी शॉ के लिए बोला था तो मैंने उसके लिए वीडियो बना दी। कोई और कंपनी के सजेशन हो मुझे बताओ, नेक्स्ट वीडियो मैं उस वाली कंपनी के लिए बनाता हूँ, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और कोई और सजेशन हो कि तुम्हें कोई और टाइप की वीडियो चाहिए तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, लाइक एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, मिस मत करो इन सब चीजों को, और अच्छे से पढ़ाई करो। देखो अगर हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से अपनी डीएसए अच्छे से करते हैं, प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, एप्टीट्यूड कर लेते हैं, ओएस एंड डीबीएमएस कर लेते हैं, अगर हम अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो हम कोई भी कंपनी निकाल सकते हैं। कुछ चीजें हैं कि यार डी शो एप्टीट्यूड पे फोकस करती है बट शायद अमेजोन नहीं करती है, बट कोई बात नहीं, हम इन सब चीजों की तैयारी अच्छे से कर लेंगे और हम कोई ना कोई कंपनी निकाल लेंगे, ठीक है। कोई स्पेसिफिक कंपनी किसी चीज पे ज्यादा फोकस कर रही है, कोई स्पेसिफिक कंपनी किसी चीज पे ज्यादा फोकस कर रही है, हम सब चीजों के लिए रेडी रहेंगे और हम अच्छे से कंपनी निकालने की कोशिश करेंगे और हम डेफिनेटली निकाल लेंगे, ठीक है। सो ये सब चीजें अगर तुम फॉलो कर लेते हो, अगर तुम डी शॉ जैसी कंपनी के लिए भी तैयारी कर लेते हो तो तुम केवल डी शॉ के लिए रेडी नहीं हो रहे हो, बहुत सारी कंपनीज के लिए रेडी हो रहे हो, है ना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से अपनी नौकरी निकालो, अच्छे से अपनी तैयारी करो, एंड जो भी सजेशन हो तुम जो चाहते हो मुझसे हो उसको कमेंट बॉक्स में बताओ, विल बी हैप्पी टू हियर दैट, ओके। चलो गुड लक।